तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है टाकिस फराज और मेरा नाम है फराज। तो चलिए बात करते हैं वीवो का जो नया मोबाइल निकला है, वीवो T1 5G। तो देखते हैं कैसा है मोबाइल अपने प्राइस रेंज में और क्या कुछ हमको उसमें देखने को मिलता है और क्या क्या चीज़ उसमें मिसिंग है। पूरी वीडियो आप देखिएगा, आई होप आप लोगों को मजा आएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दिएगा और लाइक कमेंट करके हमको बता दिएगा कि हमारी वीडियो कैसे जा रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीवो में Z1X करके एक मोबाइल आया था इससे पहले, वो भी ऑनलाइन ही था। उसमें भी बहुत सारे फीचर थे, वो अपने प्राइस रेंज में बहुत सारे फीचर्स लेकर आया था, कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और उसी सीरीज ने ये नया मोबाइल निकाला है, उसी सीरीज का ये मोबाइल है जो कि है वीवो T1 5G। देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर है, आपके साथ शेयर करते हैं। और हालांकि ये भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, हो सकता ऑफलाइन आ जाए लेकिन अभी ये ऑनलाइन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि अच्छा कलर होना चाहिए, इसमें मोबाइल के साथ कलर भी अच्छा होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कलर की बात कर लेते हैं तो दो कलर में आता है। जो इसका पहला कलर है वो है स्ट्रेट लाइट ब्लैक, जो कि ब्लैक कलर का दिखता है। और जो दूसरा कलर है वो उसको तो मैं सतरंगी बोलूँगा, लेकिन उसका जो कलर है वो है रेनबो फैंटेसी, जो कि इस टाइप का दिखता है। दोनों कलर बहुत ही अच्छे हैं। और अब बात कर लेते हैं ये कौन कौन से वेरिएंट में आता है। सबसे पहले 4 GB रैम और 128 GB में आता है, जो कि 14,990 का है। और दूसरा है 6 GB रैम 128 GB मेमोरी वाला है, जो है 15,990 में। और जो तीसरा है वो है 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी में। हालांकि इसमें मेमोरी को कांस्टेंट रखा गया है, 128 रखा गया है, और बस रैम को कम ज़्यादा किया गया है, जो कि मेरे को ये भी चीज़ अच्छी लगती है इस मोबाइल के अंदर में कि आजकल हम लोगों को मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत जल्दी से मेमोरी फुल भी हो जाती है। तो इसमें एक अच्छा काम किया है कि मेमोरी को 128 GB रखा और रैम को ऊपर नीचे कर दिया है, जैसे 6 GB 8 GB इस तरीके से करा है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले है 6.58 इंच का, जो कि बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें एक मेरे को डिसअपॉइंटेड चीज़ मेरे को ये लगी, अगर इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है, अगर ये पंच होल होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं इसका रिफ्रेश रेट की, जो कि है 120 और 224 IPS डिस्प्ले है। और एक चीज़ मेरे को और इसमें अच्छी देखने को मिल गई है, जो इसका रिफ्रेश रेट है आप इसको अपने तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए 120 तो 120 पे कर पाएंगे, अगर 240 अगर आपको चाहिए तो 240 में भी आप जा सकते हैं। बस इससे होगा कुछ नहीं, इससे आपकी बैटरी ही बचेगी और बाकी आप देख सकते हैं आपको किस चीज़ में चाहिए। बाकी अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसका प्रोसेसर इसके रेंज में बहुत ही ज़्यादा दमदार है और न्यू प्रोसेसर है। मेरे को तो मज़ा ही आ गया था जब ये मोबाइल मैंने देखा था, इस मोबाइल को मैंने यूज़ किया था, इसका प्रोसेसर देखा था, तो मेरे को देखते मेरे को लगा था ये सबसे ज़्यादा सेलिंग हिट करेगा। जो इसका प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695। अंतितु स्कोर की अगर बात करें तो 4 लाख प्लस है, जो कि और भी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो इसका ये प्रोसेसर है ये 20 से 30 हज़ार के रेंज में आता है, लेकिन ये आपको दे दिया गया है 14,000 के रेंज में, तो ये भी मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी। की बात करते हैं इसकी रैम की, रैम तो मैंने आपको बता ही दिया है, 4 GB रैम है और 6 GB रैम है और 8 GB रैम है, इसी वेरियंट में आता है। और बाकी अगर हम इसकी स्टोरेज की बात कर लें तो इसकी स्टोरेज सिर्फ एक ही है, 128 GB है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा लगा इस प्राइस रेंज में। और बाकी बैटरी कैपेसिटी की बात कर लें, बैटरी एक ऐसी चीज़ है जो मिड रेंज का मोबाइल होता है उसमें बैटरी बहुत कम दी जाती है, और वो हालांकि 1 या 2 दिन चल पाती है, लेकिन इसमें जो बैटरी दी गई है वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी चलेगी। अगर आप नॉर्मल यूसेज हैं तो 3 दिन तक तो आराम से चल जाएगी, इतना मुझे पता है। अगर आप हैवी टास्क भी करते हैं तो भी 2 दिन तक तो आराम से चल ही जाएगी, चाहे ये चीज़ चेक कर लेना। अब बात करते हैं इसमें एंड्रॉयड कौन सा है, तो एंड्रॉयड इसमें लेटेस्ट डाल रखा है, एंड्रॉयड 12 डाल रखा है। और इसमें भी बोला गया है कंपनी में कि अपडेट 2 या 3 साल तक आता रहेगा, तो अब ये देखना है कि अपडेट कितने दिन तक आता है, 1 साल आएगा, 2 साल आएगा या 3 साल आएगा। वैसे जनरली इसमें अपडेट अच्छा खासा आ जाता है। अब हम सेंसर्स की बात करें तो इसमें सेंसर सारे के सारे हैं, जो भी सेंसर होने चाहिए, जायरोस्कोप, सारी चीज़ें, सारे सेंसर हैं। बस एक ही सेंसर इसमें मिसिंग है, जो कि है नोटिफिकेशन लाइट। हाँ, इसमें नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, ये मेरे को डिसअपॉइंटेड लगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ के बाकी सारी चीज़ की तरफ देखें तो बाकी सारी चीज़ इसमें बिल्कुल बेस्ट दी गई है। अब बात कर लेते हैं कैमरे की, जो कि जो कैमरा होता है ना, बहुत सारे लोगों को इंतजार होगा कि इसका कैमरा कैसा होगा।
तो जनरली अगर देखा जाए तो जो वीवो का मोबाइल होता है वो कैमरे के लिए जाना जाता है। तो इसका अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का है कैमरा, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज करके फोटो लेता है। स्क्रीन पर आप देख ली इस तरीके की फोटो है, जो कि मैंने इसी मोबाइल से मैंने लिया है, फोटो लिया है, क्लिक किया है, कम ही क्लिक कर पाया क्योंकि मेरे फ्रेंड का मोबाइल था उसके पास, उसने ले लिया था मोबाइल, तो मैंने कम फोटो क्लिक की, जितनी भी है यही है फोटो। और इसकी आप क्लैरिटी देख सकते हैं, तो इस तरीके की आपको क्लैरिटी मिलेगी, जो कि मेरे को देखा बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करके फोटो ले रहा है, बहुत अच्छी तरीके से फोटो ले रहा है। डे लाइट में भी अच्छी तरीके से फोटो ले लेता है, और अगर लो लाइट में देखा जाए तो लो लाइट में भी बहुत अच्छी तरीके से फोटो ले लेता है। जनरली जो मोबाइल होते हैं उसके जो कैमरे होते हैं डे लाइट में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से फोटो ले लेते हैं, लेकिन लो लाइट जब आती है तो वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ये मोबाइल है ये लो लाइट में भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेता है, और डे लाइट में तो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेता है। अब बात कर लेते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें तो ये जो मोबाइल है वो 4K में वीडियो रिकॉर्ड करता है और बहुत ही क्लियर वीडियो रिकॉर्ड करता है। और स्टेबलाइज की बात करें तो बहुत ही स्टेबल वीडियो लेता है, जैसे शेकी शेकी वीडियो आती है उस तरीके से इसमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो बहुत ही स्टेबल आपको वीडियो मिलेगी देखने के लिए। तो ओवरऑल इसका जो मेरे को कैमरा है वो 14,000 की रेंज में मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। अगर आप कैमरे के लिए कोई मोबाइल देखना चाह रहे हैं, वो भी मिड रेंज में देखना चाह रहे हैं 14-15 के अराउंड, तो आप ये वाला मोबाइल ले सकते हैं। और बाकी मेरे को अगर पैकेज की बात करूं तो 4 GB रैम और 128 GB वाला जो पैकेज है 14,990 का, वो मेरे को बेस्ट लगता है, डील लगता है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप जाना चाहें, क्योंकि जो रैम है अगर आपका ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है, वैसे इसका जो प्रोसेसर है वो भी बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। पबजी कोई सा भी गेम हो, कोई सा भी गेम हो, आप हाई सेटिंग में बहुत ही स्मूथली तरीके से खेल सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत ही आराम से गेम चल जाता है। तो इसका जो 4 GB वाला वेरिएंट है वो भी बहुत सही सा वेरिएंट है। अगर आप और ज़्यादा वेरिएंट के लिए जा, अगर आपके पास बजट और ज़्यादा है तो आप 6 GB 8 GB में जा सकते हैं। अगर आप मेरी बात मानिए तो 4 GB रैम है वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है, और जो आपको मेमोरी है वो 28 मिलेगी। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ जो 14,990 वाला जो वेरियंट है वो मेरे को बेस्ट लगा। और आप कमेंट करके बताइए आपको ये मोबाइल कैसा लगा और इस मोबाइल के फीचर्स कैसे लगे और बाकी मेरी वीडियो कैसी जा रही है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेगी। और लाइक कमेंट करके हमको ये बता दिए कि हमारी वीडियो कैसी जा रही है और आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपने इंस्टाग्राम ID का, उस पर भी सारे के सारे अपडेट आते रहते हैं, तो लिंक से जाके क्लिक करिए और उसको भी फॉलो करिए। और अबाउट में जाके आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है मोबाइल से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको मेरे को बात मेरे से बात करनी है तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो फटाफट से बताइए मेरे को वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता है क्या करना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा।